शहीद राकेश चौरसिया की समाधि पर जाकर आज बुंदेलो ने प्रधानमंत्री की 23वीं बार अपने खून से खत लिखकर मार्मिक अपील की है। बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर ने बताया कि आज का दिन बुंदेलखंड के इतिहास का सबसे काला दिन है। आज ही नेहरू सरकार ने मध्य प्रदेश के गठन के लिए बुंदेलखंड राज्य की बलि दे दी थी। आधे हिस्से को उत्तर प्रदेश में और आधे हिस्से को मध्य प्रदेश में बांट दिया गया था। तभी से बुंदेलखंड दो राज्यों के बीच में पिस रहा है। दोनों सरकारें अब खूबसूरत बुंदेलखंड को खनन हब बनाकर पूरी तरह से बर्बाद करने में लगी हैं। यहाँ के पहाड़, नदियां, जंगल व ऐतिहासिक विरासतें सब संकट में हैं। अगर हाईकोर्ट ने रोक न लगाई होती तो हीरे के लिए बुंदेलखंड का बकसवाहा जंगल भी काट दिया जाता। महामंत्री अजय बरसैया ने कहा कि बुंदेलखंड को बचाने का एक ही समाधान है, अलग राज्य निर्माण। आज शहीद राकेश चौरसिया के भाई सुरेश गया प्रसाद, अमरचंद विश्वकर्मा, हरिओम निषाद, पूर्व फौजी कृष्ण शंकर जोशी, पूर्व सभासद प्रेम साहू, अरुण तिवारी, सुरेश बुंदेलखंडी सुरेश शुक्ला व देवेंद्र तिवारी समेत एक दर्जन बुंदेलों ने खत लिखने के लिए अपना खून बहाया है। देखिए, आज 1 नवंबर 1956 है। ये बुंदेलखंड के इतिहास का सबसे काला दिन है, क्योंकि आज जो है भारत के नक्शे से बुंदेलखंड राज्य को पूरी तरह से मिटाया गया था। तो ये हम आज काला दिवस मनाते हैं 1 नवंबर को, और हम चाहते हैं मोदी जी से ये कहना कि 1956 में आज ही के दिन जो ऐतिहासिक भूल नेहरू सरकार ने करी थी बुंदेलखंड राज्य को समाप्त करके, वो मोदी जी उसको सुधारें। और जिस तरह से एक ऐतिहासिक भूल वो नेहरू सरकार की सुधार चुके हैं, धारा 370 को ख़त्म करके, उसी तरह से बुंदेलखंड राज्य को जो मिटाया गया था उसको पुनः वापस दें। हम जो है आज ये कार्यक्रम अपना उसी मांग को लेकर शहीद राकेश चौरसिया की स्मृति पर अपने खून से 23वीं बार खत लिख रहे हैं, और मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं कि बुंदेलखंड राज्य बनाइए, क्योंकि सबसे उपयुक्त समय है। केंद्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, सभी जगह भाजपा की सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है बुंदेलखंड राज्य बनाने में। और ये जो सबसे पुराना आंदोलन है बुंदेलखंड राज्य का, उसको जो है अब समापन करें और चुनाव आने से पहले इसकी घोषणा करें और यहाँ की जनता के साथ न्याय करें। महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ, पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए, बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड। PK University, build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. इस त्योहार बांटिए अपनों के साथ प्यार, दीपावली पर घर लाइए कुछ खास उपहार। इलेक्ट्रॉनिक्स मऊरानी पर और ले जाइए स्मार्ट टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और जरूरत का सामान आसान किस्तों पर।